राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया दी है। विज ने कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, किसी को भी हरियाणा का माहौल खराब करने नहीं दिया जाएगा। इससे पहले भी सरकार ने कांग्रेस के दो प्रदर्शनों को पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर रोक दिया था। अनिल विज ने कहा कि गांधी परिवार देश में आग लगाना चाहता है। अनिल विज ने कहा कि इनको जहां भी मौका मिलता है यह पेट्रोल छिड़कने का काम करते हैं। कृषि कानूनों पर किसान भाजपा के साथ है, उन्हें पता चल गया है कि 3 कृषि कानूनों से उन्हें अपनी उपज को कहीं भी बेचने की आजादी मिली है। विज ने कहा कि हरियाणा के किसान की समस्या हम ही सुनेंगे, उनके नाम पर किसी को राजनीति नहीं करने देंगे। राहुल की यात्रा को हरियाणा के बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा, किसी भी सूरत में प्रदेश की स्थिति खराब नहीं होने देंगे। पहले भी पंजाब शासन प्रायोजित ट्रैक्टर और बाइक रैली को रोका गया था। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 अध्यादेशों के खिलाफ कांग्रेस किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए अब आंदोलन तेज करेगी। इसे लेकर दिल्ली में हुई बैठक में पूरी प्लानिंग बनाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने बताया कि अगले 2 से 3 दिन में राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा का दौरा करेंगे। इस दौरान वो ट्रैक्टर पर पंजाब से हरियाणा में प्रवेश कर सकते हैं। गांधी के दौरे के अलावा 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री बहादुर शास्त्री की जयंती पर प्रदेश के हर विधानसभा स्तर पर प्रस्तावित आंदोलन पर भी चर्चा की गई। पंजाब में जाके वो जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं लेना, लेकिन जैसा पहले 2 बार पंजाब सरकार कर चुकी कि पंजाब से भीड़ इकट्ठी करके हरियाणा का माहौल खराब करने के लिए हरियाणा में भेजने की कोशिश की, जिसको हमने रोका। अगर ये इस बार भी हरियाणा का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो हम इनको हरियाणा में प्रवेश करने नहीं देंगे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।